लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे कार नजर नहीं आ रही है। एक मिनट, ये रही। ओ भाई, ये रही कार। ओ पहले मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ। मैं उतर गया यहाँ पर, अभी उतर जा। ओ भाई साहब, क्या कार है यार ये। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैड गेमर यूट्यूब चैनल। ना से हम प्रॉपरली खेलने जा रहे हैं तो GTA 5। अभी मैं प्रॉपरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो हम मोबाइल में खेल रहे थे, बट अभी हम अच्छी तरीके से खेल पाएंगे तो PC में। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या मुझे इस गेम पर सीरीज बढ़ानी चाहिए, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों, अगर आप पिछली वीडियोस देखी होंगी GTA 5 की, तो दोस्तों उस वीडियो में हमने कहा माइकल की जो खतरनाक सी बुगाटी कार थी, उसको दोस्तों हमने अपने बेनी के सीक्रेट गैराज में छुपा दिया। एंड आज वापस है दोस्तों, उस कार को चलाने का मेरा बहुत मन है। सो भी फटाफट से चलते हैं दोस्तों बेनी के उस वाले गैराज में, फटाफट से चलते गई, जल्दी चलते। वैसे कि आज का दिन काफी अच्छा है, इसलिए मेरा उस गाड़ी को चलाने का और मन है। एंड एक सेकंड, ओ भाई भाई, यहाँ पर लामार क्या कर रहा है? वैसे कितने दिनों बाद आया हमसे मिलने, बट यहाँ पर आज अचानक से यहाँ पर क्यों आया, फोन में क्या कर रहा है? खैर छोड़ो, फिर मैं इससे पहले मैं इससे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आया क्यों है। सो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे लामार से बात हो गई है, एंड हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सो इसको खबर मिली है कि लॉस सैंटोस में एक, मतलब लिबर्टी सिटी से एक लॉस सैंटोस में एक सेलिब्रिटी आया, एंड लामार ने सुबह सुबह उसकी कार देखी थी। एंड लामार ये कह रहा है कि अगर हम चाहे तो उस कार को चुरा सकते हैं एंड अपना बिजनेस आगे और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। तो इस मैंने इसको बोल दिया कि ये भी कोई पूछने की बात है यार, वैसे भी हम इसी काम में लगे रहते हैं, चोरी वोरी में। तो मैंने इसको डायरेक्टली हाँ बोल दिया। एंड ये कह रहा है कि अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसकी लोकेशन दिखा रहा था कि वो कार दिखती कैसी है। तो फटाफट से कहीं जहाँ पर मैं कार में बैठ चुका हूँ और लामार भी बैठ चुका है, इसने मुझे यहाँ पर लोकेशन बता दी है। तो अभी फटाफट से चलते उस लोकेशन के पास। एंड यहाँ पर इस रस्ते से कार आ गई आगे। एनीवे, तो भी फटाफट से चलते हैं उस कार को देखने। पता नहीं, जब भी गाइस मुझे कोई कार चुराने का काम मिलता है गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। मतलब गाइस मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती है कि वो कार कैसी होगी, कैसा उसका मतलब साउंड होगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो भी फटाफट से चलते हैं यहाँ से गाइस, मुझे राइट टर्न लेना है। एक मिनट, यहाँ पर रस्ते से कार आ गई थी। तो भी फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन के पास एंड देखते हैं दोस्तों वहाँ पर क्या सीन है। ओके, तो मैं अपनी कार को भगाता भगाता आ गया दोस्तों उस लोकेशन पे। एंड ये लोकेशन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगी। सो ये यहाँ यहीं पर उसने लोकेशन बताई है। एंड यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। पहले कहीं इसमें से बात कर लेता हूँ, वैसे मुझे एक सेलिब्रिटी से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है उसकी कार से। तो पहले मैं इससे बात कर लेता हूँ कि सेलिब्रिटी अंदर है या नहीं, या फिर वो आया ही नहीं। लेकिन लामार ने तो कहा था वो सुबह सुबह आया था। एनीवे, इससे बात कर लेते हैं पहले। हेलो सर, हाँ एक मिनट। अच्छा, हेलो सर, हेलो। ओके गाइस, यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो गई है। एंड ये कह रहा है कि अगर तुम्हें सेलिब्रिटी का फंक्शन देखना है तो तुम्हें मतलब रात को आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि गाइस जो सेलिब्रिटी है वो लॉस सैंटोस में आ गया है, एंड ज़रूर किसी पार्लर या मेकअप की शॉप में होगा क्योंकि आज रात उसका फंक्शन है। और वो कोई हेयर कट या फिर मेकअप करवाने गया होगा। तो यहाँ पर अगर वो बाहर गया तो उसकी कार भी यही गई होंगी। पहले मैं उसकी कार को देख लेता हूँ। नहीं गाइस, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो सब सस्ती ही सस्ती कार है। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर एक पार्किंग एरिया, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पर सेलिब्रिटी की कार है ही नहीं, वो ज़रूर उसको अपने साथ ले गया होगा। तो यहाँ पर रुकना भी एकदम बेकार है, टाइम वेस्ट है। तो अभी गाइस मुझे यहाँ पर शाम को आना पड़ेगा, रात को। मतलब यहाँ पर उसका वेट करने का कोई सेंस ही नहीं होता गाइस। तो अभी चलते दोस्तों फ्रैंकलिन के घर, लामार और मैं, एंड शाम को आते हैं दोस्तों। एंड मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस काम के लिए मैं ड्राइवर को भी कॉल कर लूँ। मतलब ये ड्राइवर की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, कुछ दिनों से उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है। तो आई थिंक दोस्तों ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर माइकल भी होता तो कुछ बात बनती, बट वो भी गाइस अमांडे के साथ लॉस सैंटोस के बाहर चला गया है। तो भी गाइस बंदे से मैंने लिफ्ट मांग ली थी क्योंकि दोस्तों हमारी कार जो है उसमें से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक के पास भेज दिया। तो अभी चलते दोस्तों फ्रैंकलिन के घर, एंड यहीं पर दोस्तों आज के दिन मतलब शाम तक यहीं पर रुकते हैं, एंड फिर देखते हैं दोस्तों शाम को क्या सीन है। ओके, तो गाइस यहाँ पर शाम हो गई है, एंड दोस्तों लामार और मैंने दोस्तों दिन भर बहुत मजे किए। तो भी गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा गन्स वंस भी ले लेता हूँ ताकि दोस्तों फाइट में ये काम जरूर आएंगी। तो अभी फाइनल दोस्तों चलते दोस्तों सेलिब्रिटी के घर पे। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने गन वन सब ले लिए जैसा मैंने कहा था, एंड लामार को भी मैंने दोस्तों एक दो गन पकड़ा दिए क्योंकि दोस्तों मुझे पता है फाइट जरूर होंगी। यहाँ पर मैंने लामार को बैठा दिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको दोस्तों लोकेशन दिखा रहा हूँ पहले कि वो लोकेशन कहाँ पर है। हमारे घर के ज़्यादा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रही गाइस लोकेशन। हाँ, तो गाइस ये रही लोकेशन। अभी फटाफट से चलते दोस्तों उस लोकेशन के पास, उस कार को देखते हैं। यार मैं उस कार को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। यहाँ पर मैं पहले रेडियो बंद कर लेता हूँ। यार वो कार कैसी होगी यार, मुझे बस यही देखना है, उस कार को देखना है यार मुझे। अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सो फटाफट से चलते दोस्तों, भगा दे फुल स्पीड में। ओ शिट, यहाँ पर डेंट लग गया। एनी में कोई बात नहीं, तो अभी चलते दोस्तों फटाफट से, एंड वहाँ पे देखते दोस्तों क्या सीन है। ओके, तो यहाँ पर मैं गाड़ी को भगाता हुआ आ गया दोस्तों उस लोकेशन पे। एंड ये रही गई उस जगह। ये फटाफट से चलते दोस्तों अंदर। एंड एक मिनट गई, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। ओ शिट,
यहाँ पर तो दो सिक्योरिटी वाले हैं एंड उनके हाथ में गन्स भी है। इसका मतलब सेलिब्रिटी जो है वो तो आ चुका है, इतना मुझे कंफर्म हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गार्ड खड़े हैं। सेलिब्रिटी जो होगा दोस्तों वो अंदर ही है, मतलब सेलिब्रिटी अभी अंदर ही होगा, अभी भी वो कुछ कपड़े वपड़े चेंज कर रहा होगा, मतलब सेलिब्रिटी अंदर ही है। तो बस गाइस अभी मुझे मौका देखना है यहाँ पर, उसकी कार भी दोस्तों यही कही होगी, बस अभी मुझे उसकी कार को देखना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब कार भी बहुत सारी आ चुकी है रात को। वैसे ये पार्किंग एरिया हमेशा खाली होता है, बट यहाँ पर बहुत सारी कार आ गई है, तो इसका मतलब भी फंक्शन जो है गाइस वो अभी शुरू होने ही वाला है। एंड एक मिनट, यहाँ पर भी कोई कार नहीं, अभी यहाँ पर तो सब सस्ती ही कार है। कहीं यार वो सेलिब्रिटी ने अपनी कार को किसी गैराज में तो नहीं छुपा दिया, या फिर सेलिब्रिटी खुद हमारी तरह गरीब है? बट ऐसा नहीं है गाइस, लोकेशन तो उसने ये बताई थी। एक मिनट, ये रही, ओ भाई ये रही कार। एक मिनट, यहाँ पर मैं अपनी कार को पार्क कर लेता हूँ, गाड़ी से फटाफट से उतरते हैं। एंड भाई साहब, ओ तो गाइस ये, ओ भाई भाई साहब ये है वो कार गाइस, यहाँ पर दो गाड़े गाइस, यही है कंफर्म गाइस, यही वो कार है गाइस। ये कार तो लैम्बोर्गिनी सियान है गाइस, जो अपने उज्जवल भाई यूज़ करते हैं, तो कोई यही वो कंफर्म कार है गाइस। मुझे अभी एक अच्छा सा आइडिया है, इस कार को देखने के बाद मुझे दोस्तों एक अच्छा सा आइडिया है, इसको मैं चुराऊँ कैसे। पहले कैसे यहाँ पर मैं अपनी कार के पास चलता हूँ, पहले कैसे मैं आपको कार के पास लेके चलता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों अपना प्लान सुनाता हूँ। अभी आप लोग पूछेंगे कैसे, तो कैसे मैं आपको बताऊंगा इस कार को मैं कितनी खतरनाक तरीके से चुराने वाला हूँ। एंड एक मिनट, ये लामार यहाँ पर कैसे गया? अभी मैंने तो इसको कार में रहने के लिए बोला था। सो ऑर्डर के यहाँ पर मैंने लामार को बोल दिया है कि अपनी वाइट कार में चले जाओ। एंड फटाफट से गाइस मैं अभी अपनी ऐप पे शॉर्ट गन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने शॉर्ट गन निकाली। अभी फटाफट से चलते दोस्तों इस दीवार के पार एंड एकदम आराम से यहाँ पर, एकदम आराम से अभी चल जा। हाँ यहाँ पर दोस्तों मैं एकदम आराम से आ गया, उनको खबर नहीं लगनी चाहिए। अभी कार के पीछे छुप जाता हूँ गाइस, कार वाकई में काफ़ी सही है। एंड अभी गाइस ये गया एंड ये गया काम से। एंड अभी इसका ध्यान नहीं है, उसको भी मार लेते हैं। एंड ये भी गया। सो ऑर्डर गाइस, इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मैंने खत्म कर लिया है, फटाफट से बैठते दोस्तों कार में एंड यहाँ से अभी चलते हैं। यहाँ पर मैं कार में बैठ गया हूँ एंड एक सेकंड, ओ भाई कार में बैठते दोस्तों 4 स्टार का केस लग गया भाई, गया मैं। बट यार मैंने तो इन दोनों को आराम से निपटा दिया था, इन पुलिस वालों को कैसे खबर लग गई यार भाई, काफ़ी गलत सीन हो गया यहाँ पे। एंड इस कार के कंट्रोल्स कैसे है यार, अभी चल यहाँ पे। वैसे भी पुलिस आना शुरू हो गई है एंड अभी गाइस मैं काफ़ी गंदा मरने वाला हूँ। एंड यहाँ पर मैंने गेट तोड़ दिया कहीं, यहाँ पर तो मेरा एम भी लग रहा ओ भाई गलत, वो भाई गलत वाला सीन हो गया भाई यहाँ पे। वैसे भी पुलिस भी एकदम कुत्तों की तरह मेरे पीछे लग चुके हैं। अभी गाइस इसको मुझे हाईवे पे ले जाना होगा या फिर किसी टनल में लेके जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर गाइस मैं कार को अपने जैसे गाइस दोस्तों हाईवे पे लेके आ चुका हूँ। एंड अब देखो गाइस, अब देखते हैं गाइस मेरा पीछा कौन करता है। वैसे इस कार की स्पीड भी काफ़ी तगड़ी है यार, अभी पुलिस वाले तो पीछे ही है गाइस मेरे, 4 स्टार का केस है। एंड यार ओ भाई वो भी गया काम से। अभी इस कार के कंट्रोल्स कैसे है यार, मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ तो ये राइट जा रही। अभी गया नहीं गया। अच्छा होगा इसे कार थोड़ी बुलेट प्रूफ है, वरना अभी कहीं इसमें गया अगर बुलेट प्रूफ नहीं होती तो। एंड यहाँ पे ओ शिट शिट डैमेज शिट, गया काम से। अभी हटो ओ भाई, अभी गया काम से। अभी ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, गया नहीं ओ भाई, ओ शिट गया ओ भाई। अबे हटो यार, इस कार के कंट्रोल्स कैसे है यार, अभी यार कितने स्लो कंट्रोल्स है यार इस कार के। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर इस कार को भगाता हुआ जैसे जैसे दोस्तों में यहाँ पे जो लॉस सैंटोस की सीक्रेट टनल है उस रास्ते के पास लेके आ जाऊँ। ओ भाई यहाँ पर भी पुलिस वाले भाई, यहाँ पर मैं रिवर्स लेता हूँ। अभी कहीं मुझे शायद पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टनल जो है वो लेफ्ट वाली साइड में है। अभी फटाफट चलते हैं भाई, ये पुलिस वाले तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे यार। यार चले जा रहे, इस कार को ले जाने दो यार मुझे प्लीज़। ओ गया ओ भाई, गई। यहाँ पर बंदे भागते हुए, ओ शिट डैमेज भाई, मुझे खुद समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड गया टनल के अंदर गया मैं। अबे चल यार, अबे ओ भाई साहब, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड फाइनल गाइस मैं टनल के अंदर आ चुका हूँ। एंड अभी गाइस पुलिस वाले से गाइस मेरी लोकेशन जो है वो अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। अभी जल्दी गाइस मेरा केस जो है डिसमिस हो जाएगा अपने खुद पर से, हो जाए जल्दी से। एंड गया गाइस, एंड गाइस यहाँ पर मेरा केस जो है पूरी तरह से हट चुका है भाई साहब, क्या ही गलत वाला सीन हो गया था यार अभी। बट इन पुलिस वाले को पता कैसे चल गया कि इस कार को मैंने चुरा लिया है? तो छोड़ो गाइस, अभी गाइस मैं इस कार को आपको साउंड सुना देता हूँ। गाइस साउंड देखो गाइस कितना खतरनाक है, रियल में इतना खतरनाक साउंड नहीं है, मतलब टनल के अंदर हूँ। एंड इस कार का एग्जॉस्ट का साउंड जो है गाइस वो भी टनल में रिवर्ब हो रहा है, इसीलिए दोस्तों इस कार का साउंड इतना डेंजरस और खतरनाक सुनाई दे रहा है। अभी गाइस इसको मैं अपनी लॉस सैंटोस की कस्टम शॉप पे लेके जाता हूँ। एंड इस कार के कंट्रोल्स कैसे यार। सो ओके, इस कार को दोस्तों मैं लेके आ गया दोस्तों लॉस सैंटोस के शॉप के पास। एंड किधर है, हाँ ये रही। एंड अभी अब हाँ ये रही। एंड एक मिनट, ये खुली तो होगी ना? हेलो शिट यार, ये तो बंद है। नहीं, खुली है। अभी खुल जा,
अबे खुल जाए, हाँ तो खुल गई। तो भैया इसको फटाफट से तो रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और राइट गाइस दोस्तों, इस कार को मैंने फुली अपग्रेड कर लिया है एंड यहाँ पर अभी गाइस आप इसका पहले साउंड सुनो। गाइस पहले इसका साउंड सुन लेता हूँ। ओ भाई क्या साउंड है यार इसका। एंड पीछे से गाइस वो क्रैकलिंग निकलती है, वो एकदम खतरनाक है यार, मतलब खतरनाक कार है यार एकदम। अभी इसको फटाफट से लेके चलते हैं दोस्तों फ्रैंकलिन के घर। तो इस कार को भगाता हुआ अगर दोस्तों मैं फ्रैंकलिन के घर लेके आ चुका हूँ। एंड पता नहीं दोस्तों लामार के साथ क्या हुआ होगा, कहीं वो अरेस्ट नहीं हो गया। एंड एक मिनट गाइस, लामार तो यहीं पर है यार, मतलब भाई जैसे ही हमारे पीछे पुलिस लग गई तभी गाइस मौका देखकर लामार भी वहाँ से भाग गया। तो भी गाइस मैं कार का पहले म्यूजिक ऑफ कर लेता हूँ, तो भी इसको गैराज में पार्क कर लेता हूँ। तो अभी लामार जो है इस कार के साथ मतलब फोटोज क्लिक करवा रहा है, क्योंकि ये खुद शौक हो गया कि इतनी खतरनाक कार, वो भी अपने गैराज में। तो अभी इस लामार अभी यहाँ पर फोटो खींचने में बिजी है। सो खतरनाक सीन हो गया था अभी यहाँ पे। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुल दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड मुझे बताना दोस्तों किन किन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों क्या मुझे GTA 5 की सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।